सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में टीबी उन्मूलन से संबंधित विकास भवन के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोई भी दवा विक्रेता बिना पर्चे की किसी भी मरीज को टीबी की दवा ना दे। जिसे भी दवा दी जाए उसकी सूचना डीटीओ ऑफिस या फिर निरीक्षय पोर्टल पर अवश्य दर्ज कराएं। वहीं इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि 2 सप्ताह से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है, मगर प्रत्येक खांसी टीबी नहीं होती है। अगर यह दिक्कत होती है तो टीबी की जांच अवश्य कराएं। और शरीर में टीबी मुख्यतः फेफड़ों को ही प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी टीबी होती है। उन्होंने कहा, नाखून और बाल छोड़कर शरीर के सभी अंगों की टीबी रिपोर्टेड है। ऐसी टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाती है और इसकी पहचान विशेषज्ञों द्वारा ही की जाती है। गैर फेफड़े वाले टीबी मरीज तो संक्रमण नहीं फैलाते, लेकिन फेफड़ों के टीबी का धनात्मक मरीज अगर उपचार नहीं लेता है तो साल भर में 10 से 15 लोगों को मरीज बना देता है। इसलिए हर 3 मिनट में टीबी के 2 मरीजों की मृत्यु हो जाती है और भारत में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 192 टीबी मरीज वर्ष 2020 में पाए गए। इस अवसर पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, उप जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विराट स्वरूप श्रीवास्तव, पीपीएम अभय नारायण मिश्र, के शुक्ला, पाथ संस्था कंसल्टेंट नीरज किशोर पांडे, एमए बैग इंद्रनील गोविंद और वर्ल्ड विजन इंडिया के समन्वयक शक्ति पांडे मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, पहले एक तो सर्जिकल परसेंट टीबी डिजीज के बारे में ग्रामक रोग है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, और जब संक्रमित व्यक्ति खांसता और छींकता है तो उसके फेफड़े और मुंह से निकलने वाले लार के ड्रॉपलेट्स के साथ बैक्टीरिया की खांसी दो हफ्ते या उससे अधिक खांसी, बुखार होना, मरीज के वजन में गिरावट, भूख न लगना, खांसी के साथ बलगम में खून आना या किसी तरह की सीने में दर्द और सांस लेने की दिक्कत हो तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी वजह से कम है तो उसकी हम नियमित स्क्रीनिंग का शेड्यूल भी उसके साथ फॉलो करते हैं। सर, वर्तमान में जो हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेन चैलेंज है कि जो वास्तव में हमारे पास टीबी नोटिफाइड केसेस हैं या जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो एक बहुत कम संख्या है, जिस जो एक्सपेक्टेड WHO द्वारा एक्सपेक्टेड केस है भारत में उसके सापेक्ष में बहुत कम संख्या हमारे पास OPD तक पहुंच पा रहे हैं। तो एक बड़ा संख्या अभी भी सोसाइटी में बिना हमारी जानकारी के रह रहा है और उसकी वजह से संक्रमण लगातार फैलता रह रहा है। इनको हम मिस्ड केस को कहते हैं, जिनको सिम्टम्स है, डायग्नोसिस नहीं हो पाई है, डायग्नोसिस तो हो गई है लेकिन उन्हें किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया है। अगर हम इसमें सबसे बड़ा लाल गोला देखें तो वो वास्तविक संख्या है जो WHO भारत में टीबी पेशेंट्स की एक्सपेक्ट करता है, और जो सबसे छोटा नीला गोला है अंदर वो एक वो संख्या है जो हमारे पास नोटिफाइड केसेस हैं टीबी के, उनको ढूंढ के अपने साथ इलाज में रख के उनको इलाज पूर्ण कराना है, जिसके लिए सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता है और हर एक बुलाई गई है। सर, जैसा कि WHO और पूरे विश्व का कमिटमेंट है विश्व से टीबी, विश्व को टीबी मुक्त करना जो जिसका गोल 2035 तक है, और SDG ने 2030 तक का जो लक्ष्य रखा है, 10 टीबी समिट में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कराने का जो संकल्प लिया उसके लिए विशेष प्रयासों के साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, और हम पूरी तरह प्रयासरत हैं कि 2025 तक ये लक्ष्य पा सकें जिस जो WHO ने 2030 तक पाने का रखा है। इसके अनुसार हमारा इंसिडेंस रेट 44 पेशेंट प्रति लाख एनुअल होना चाहिए, मॉर्टेलिटी 3 पेशेंट प्रति लाख सालाना
और पेशेंट पे कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट 0% होना चाहिए, ये हमारा एलिमिनेशन का लक्ष्य है जो हमें 2025 तक प्राप्त करना है। ये कल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे है, क्षय रोग को लेके जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है, उसी संदर्भ में गोरखपुर में चीफ सेक्रेटरी सर की डायरेक्शन में, उनकी गाइडेंस में एक कार्यक्रम चालू किया गया है अभी, जिसमें जो हमारे अधिकारी वर्ग है वो जो टीबी के हमारे मरीज हैं या बच्चे हैं उनको गोद लेंगे, उनकी केयर करेंगे। इसमें माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश द्वारा भी ये प्रोग्राम को लीडरशिप दी जा रही है और उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसके संबंध में कल VC भी है, उसको लेके आज एक बैठक की गई है, जिसमें जो हमारे डॉक्टर्स हैं प्राइवेट में या हमारे उसके साथ मेडिकल स्टोर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आज प्रेजेंट थे, उनको टीवी के लिए जो सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी दी गई है, और ये जो हम लोग जो टीवी के मरीज हैं उनको गोद ले रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, निश्चय पोर्टल के बारे में जानकारी दी गई है, मेडिसिन के बारे में जानकारी दी गई है, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रूपरेखा जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए गोरखपुर को टीबी मुक्त बनाने के लिए ये बैठक आज की गई है।